क्या ये? नहीं, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं देखो, नहीं नहीं, नहीं नहीं, इस वाले पे ये लाइन। अरे एक थोड़ा बुझा तो और लगेगा। सुनो बच्चों, नाउ डिस्कसिंग अबाउट द हीट कैपेसिटी। सब मिलके मेरी राइटिंग सुधार रहे हो। हीट कैपेसिटी क्या होता है ये देखो। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज Defined as the amount of heat required to raise the temperature ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब जरा कॉन्सेप्ट समझ लो यहां पे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। सही, सुनो ना, जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, देखो यहाँ पे छोटा सिस्टम देखो, और इसमें कोई सब्सटेंस है। ठीक है, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस मुझे टेम्परेचर जो भी है उससे 1 डिग्री मुझे इंक्रीज करना है, तो सम अमाउंट में हीट इसको देना पड़ेगा, राइट? फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस वी हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ हीट टू दिस सिस्टम, एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड व्हाट? हीट कैपेसिटी। क्लियर? अदरवाइज वी कैन डिफाइन हियर व्हाट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड व्हाट? हीट कैपेसिटी। नाउ इफ अवर सिस्टम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, आई रिपीट, इफ अवर सिस्टम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड व्हाट? मोलार हीट कैपेसिटी, राइट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड व्हाट? मोलार हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट टर्म, मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट? मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड सिमिलरली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो दैट विल डिफाइन द सीपी एंड द सीवी। ठीक है, अभी आ रहे हैं उस टॉपिक पे। तो पहले ये समझ में आया आपको? बोलो ना। हाँ, तो मोलार फॉर हीट कैपेसिटी इज सी इज इक्वल टू व्हाट? वी कैन से दैट Q अपॉन डेल्टा टी, इज इट राइट? बोलो ना। हाँ ठीक है, ठीक
फॉर स्मॉल अमाउंट क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, बहुत कम सब्सटेंस है, क्या बड़ा करना? नहीं सही तो है, बहुत सही है। हाँ अच्छा मैं समझ गया, अभी मैं करता हूँ। ये लो ये चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक कैपेसिटी की, फिर मोलार हीट कैपेसिटी की बात करूंगा पहले स्पेसिफिक। अब सही है, ठीक है। बहुत कम टेम्परेचर, अगर सब्सटेंस मेरा बहुत कम है तो ये बहुत ही कम हो जाएगा टेम्परेचर ना, ठीक ही हो जाएगा। या अब देखो ये स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, जब सब्सटेंस 1 ग्राम रहेगा, राइट, इसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिखता हूं यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं इसको, इसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट ना, ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, ऑफ द सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यही पे हम डिस्कस करेंगे मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी, और मोलार हीट कैपेसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सीएम से, ठीक है। क्या होता है ये, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, सी दैट उस सीएम लिख दो स्मॉल कैपिटल सी या स्मॉल सी भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं उसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं हम लोग, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 ग्राम बढ़ाना है, नहीं 1 ग्राम सीएम ऑफ अ सिस्टम या ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज बेटर। सब्सटेंस इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज द अमाउंट अमाउंट ऑफ हीट
रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हो जाता है सी एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन, नंबर ऑफ मोल हो गया, राइट ना, जो भी दिया उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल कर देंगे तो आ जाएगा मोलारिटी कैपेसिटी। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट, बोलो। अब आप एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, इसका यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए भी। अरे देखो लिख लिया, ये कुछ लिख रहे हैं, गुड बॉय। इसको फिर क्या करते हैं, ले जाके बेच देते हैं। क्या करते हैं, इसका फाइल करते हो? Evidently, क्या लग रहा है? अरे थोड़ा नहीं लग रहा बोलिए। Evidently, the amount amount of heat Q required to raise the temperature from T1 to T2 what happened? अच्छा, अचानक से रखे रखे कैसे टूट गया वो? उसके अंदर है क्या पहले वो बता। गैस वैसा बन रहा था उसमें तो फट गया वो, वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई कर पाई। कुछ गिरा तो पानी तो गिर गया। नहीं, अच्छा
पिछले जगह में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। क्या हुआ? अब वो भी करूं? कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन मैं तो गिरता रहता हूँ, चलते चलते दीवार में लड़ जाता हूँ। मैं नहीं लड़ता डेल्टा टी। और यूजिंग हीट कैपेसिटी क्या क्या कहां कहां की तरह ये डाल दो। उससे नहीं संभलेगा और तो लेट दे रहा तू। पैम बनाएगा मुझे आपने। चलो सुनो अभी मेरी बात। मेरे अरे वो सर का बहुत सारा कपड़ा रहता है ना आपने। नहीं बह जाओगे तुम लोग शांत रहो।
इसी बारे से थोड़ा बस आप सुन लो, अगर नहीं पहनेगा तो वैसे रहने दो। कपड़े का रहे उस पर प्रेशर मार दो। उसी को हटा दूंगा, डाल दो उसको टॉयलेट में, डाल दो टॉयलेट में, डाल दो दोनों शहीद हो जाएंगे अभी। ऊपर करो देखो, अभी पढ़ाई करते, ये सब इसकी गलती है। अभी नहीं, वो कर रही थी काला जादू बैठ के, सब बैठते बैठते मंत्र जैसे पूरा हुआ, फ्लाप से पढ़ा उसका, वो पढ़ रही थी मंत्र, पढ़ रही थी। उसको हटा दो, ये ना चलो ओके। नाउ यूजिंग हीट कैपेसिटी, अरे वो रेफरेंस चलिए कोई बट ये जहां हुए चिन्नी से पड़ल में इतना कहां से बाहर ये पड़ी थी। अरे वो लिसे लिसे डोंट वरी, जस्ट सी दिस, वो डिपेंड करता है वो
डालती है, कहाँ रखती है, तो चिंता मत करो। वो मटके में रखेगी तेल, तुझे क्या मतलब? चाहिए ठंडा ठंडा कूल। अच्छा मेडिकल कर सऊदी अरब से आई है। अच्छा हाँ देते हैं ना इतना लोग। तेल मिलता है उधर। अभी रेड द टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज और मोलारिटी कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी और मोलार हीट कैपेसिटी। ठीक है दो होंगे इसमें, एक कैसा होगा हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दूसरा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सीवी से। ठीक और हीट कैपेसिटी है कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्या हुआ ये तो कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी, तो सीवी और सीपी दोनों हो गए राइट ना। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम बोलो। द हीट सप्लाई टू अ सिस्टम या हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम हाँ लिख सकते सिस्टम रेस टू रेस द टेम्परेचर। हाँ इट्स टेम्परेचर टू वन डिग्री सेल्सियस कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। ठीक है इज कॉल्ड
क्या कहेंगे इसको, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सीवी, ठीक है राइट। और यहां पे लिखूंगा सिमिलरली द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेल्सियस keeping pressure constant is called CP. क्लियर है? कितनी बातें समझ में आई आपको? ठीक है ना। नाउ अब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था अपने पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डी क्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आर डी यू प्लस पी इंटू डी वी, यही था ना? या डेल्टा लिख सकते हैं, छोटा डिफरेंस है तो डी, ठीक है। अब यहां पे देखो वॉल्यूम लिख कैपिटल यू, अब यहां पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन में इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या था एट कांस्टेंट प्रेशर, पता है ना? अच्छा यही चीज अगर मैं ऐसा लिख दूं हीट कैपेसिटी के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, डी यू प्लस पी इंटू डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है ना? बोलो ना। हाँ टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया तो वही आ गया ना। अब इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप मुझे बताओ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, देन dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, dv इक्वल टू आर जीरो, अगर dv जीरो हो गया तो p इंटू dv टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अरे बोलो ना। हाँ देन हम लिख सकते हैं यहां पे क्या आ जाएगा, cv इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पे, डी यू अपॉन डी टी, क्या राइट है ये? ये कब आया, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्या सही है? अरे कह सकते ना इसको फॉर आइडियल गैस, देखो ये फॉर्मूला तो मेरा आ गया, अब यहां पे ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया ना, फिर डीवी जीरो हो गया तो पी टू डेल्टा वी जीरो, ये बचा ना, और इसी को तो कहते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर, सॉरी मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, इज इट क्लियर? बोलते भी नहीं सर,
कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अच्छा ये तो ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी प्लस P इंटू डीवी अपॉन डी टी। सही है, एकदम सही है, क्योंकि हमें P डेल्टा P नहीं है ना, जीरो नहीं होगा यहाँ, तो P हमने कॉन्स्टेंट कर लिया, ये आ गया ना फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। हमारे पास ये फॉर्मूला, अगर हमने वी नो दैट हमें क्या पता है, हमें पता है H इज इक्वल टू होता है क्या, U प्लस P इंटू V, राइट। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू माय गॉड विथ रिस्पेक्ट टू टी, राइट। अगर इस इक्वेशन को मैं विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिलेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, बताओ क्या मिलेगा मुझे, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं, क्या मिलेगा मुझे बताओ मुझे, पी एच अपॉन डी टी, सही है ना। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस पी इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये भी सही है ना, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये समझ में आया ना, बोलो यही चीज तो मिला अपने को, है कि नहीं। तो देयर फोर वी कैन से दैट, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, तो therefore we can say that CP is equal to क्या हो जाएगा बेटा, TH upon DT। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कब से। तो CV क्या होता है अपने पास, ध्यान देना आप, CV is equal to क्या हो गया, DU upon DT at constant volume, एंड सीपी क्या हो चुका है मेरे पास, डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है बोलो। हाँ हाँ बस जल्दी लिखो आगे बढ़े। जय महाराज, इतने नाजों से इनको पाला था, देखो इसकी सेंसिटिविटी, ये स्टेपलर से चल रहा है।
और उसका डिस्टेंस फिक्स है, वो थोड़ा हिला तो गया, उतने डिस्टेंस पे उतना प्रेशर अप्लाई करता है उतने ऊपर से, तब वो पत्थर हिला, जानबूझ कर रही है, सेंसिटिव सेंसिटिव है ना, टेबल टच कर रही हो ना, नहीं कर रही, हो गया लिख के, युग पुरुष। चलिए सुनिए, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। सो व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज, है ना, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? सीवी, इंटरनल एनर्जी चेंज। गुड, नाउ देखिए ये दोनों का क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, बड़ा प्यारा सा रिलेशन है इसका। नहीं तो डरा हूँ, डरा वो भी क्या डरा देगा, तो डरा डरा सुनो ना बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा था राइट, पता नहीं क्या लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटीज द हीट कैपेसिटीज ऑफ एन मोबाइल है तो बेटा डेंजरस है, मोबाइल देखो पीछे बैठ के करते हो, चलो ठीक है, एकदम आगे बैठ के कर लो, गैस कैन बी ऑब्टेंड बाय सब्सट्रैक्टिंग अब सब्सटेंस लिख दिया मैंने, ठीक ट्रैकिंग इक्वेशन, कैसा होगा? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी माइनस डी यू अपॉन डी टी, सही है, एकदम सही है। हमें ये भी पता है कि एच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? यस, पीवी इक्वल टू एन आर टी इफ नंबर ऑफ मोल 1, तो क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू आर टी, ये भी सही है,
बोलो ना। तो अब क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा, डी एच अपॉन डी टी जैसा पहला किया था हमने वही करना है, माइनस डी यू अपॉन डी टी प्लस आर। ये समझ आ रहा है आपको, राइट है ना। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं सीपी, बोलते भी नहीं है। ये हो गया ना सीपी माइनस सीबी इसको तो क्या हो गया है, नहीं लिख सकता था, ये सही है। हाँ हाँ ये समझ गया मैं, आपका दर्द समझ गया, आप भी समझ लीजिए। आइडियल गैस के लिए यही होता है, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। मतलब क्या होता है कि जब भी मोलार रेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलार रेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस इक्वल टू गैस कांस्टेंट, समझा ये, फॉर वन मोल। ये समझा आपको, क्या हुआ सानिया? हाँ हाँ क्या करती है कॉलेज जाके? अच्छा तो एग्जाम आने पे घर बैठ के पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाके पढ़ाई कम करते हैं? कॉलेज पढ़ाई होती है क्या? कुछ नहीं होती। कौन कौन सा आज है चैप्टर, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? अच्छा केमिस्ट्री का पढ़ाने वाले हैं, अच्छा बताते हैं। अच्छा हाँ बड़ा शरीफ है लोग, क्वेश्चन पेपर देते हैं, शराफ कॉलेज इज शो शरीफ, क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं देना चाहिए, वही तो गलत किया। तो अब घर बैठ के पढ़ो, तब दे दिया तो अब क्या जा रही है। तो यहाँ पे क्या मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो है इतना अटेंडेंस, तू तो संडे को भी जाती है कभी कभी। हाँ कॉलेज से होती हुई जाती है ना, काउंटर काउंट होगा वो। जाओ जाने वाले मैंने कुछ नहीं किया, अब देखो यहाँ पे सुनो बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेवन थर्टी फाइव में बहुत टाइम नहीं हुआ अभी, बिटवीन वैसा आइडिया मत जाएगी रहेगी। इसी को जोर जोर से तोड़ दिया, एंड एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस मंजर है, गड़बड़ कर दिया। अच्छा बोला मैंने, गड़बड़ देखो ना, गैस
होता क्या है, सुनो ना, जी तो सुनो, मैं बोल ही रही हूँ। तो सुनो, तुम बोल नहीं रही, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सुनो, मैं बोल रही, मैं बोला सुनो तो कहते मैं बोल रही नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आई एम लिसनिंग, यू लिसन टू मी, या नाउ लिसन, सुनो ना, वो कपड़ा तो मत डालना, गीला ही सही, हम लोग बैठने के पानी में, मेरे पास है लिया मॉलिक, जैसे डाई एटॉमिक हो गया, दो एटम वाले हो गया तो लीनियर हो गया ना, यहाँ पे कितने टाइप के म्यूटेशन हो सकते हैं, एक तो मैंने लिया ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल, तीसरा वाइब्रेशनल, ठीक है, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल तीन टाइप का ट्रांसलेशन कर सकता है थ्री एक्सिस पे, राइट, दो टाइप का रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशन का फॉर्मूला ये हो जाता है 2n-5, मैं बताता हूं अभी क्या है कैसे, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, थ्री 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 n-6, समझो ना, देख जैसे ये लीनियर मॉलिक्यूल राइट ना, ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन कैसा कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस, रोटेशनल ऐसे या फिर ऐसे, वही कर सकते हैं ना, ये रोटेशनल, वाइब्रेट हो सकता है किसी भी एक्सिस पे, ऐसे ऐसे 2n-5 लगाते हैं इसके लिए, एन एटम्स कितने हैं उसमें, उस पर डिपेंड करते हैं, हाँ हाँ डायग्राम बने, हाँ हाँ ठीक है, अब सुनो आप आगे की कहानी, सुनो आगे की कहानी, सुना ईच ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ केटी, एंड ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स एनर्जी ओ ओ
व्यू बहुत एनर्जी एटी एटी क्या पेन एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर होता है जैसे जैसे यहाँ पे कैनेडी और ट्रांसलेशनल है ट्रांसलेशन यहाँ पे टी मतलब टेम्परेचर पे यहाँ पे ये जो होता है कैनेडी की नदी को टी से टेम्परेचर पे कौन से टेम्परेचर पे आ रहा है उसके ऊपर। हाउएवर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम कंट्रीब्यूट ओनली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट एट द ऑलरेडी टेम्परेचर। तो यहां से तो ये सब लिखना इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बट मेन जो फॉर्मूला है जो मैं बताने वाला हूँ वो आ जाएगा अभी अभी आने वाला है उसमें। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन का और फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है कितने टाइप का मूवमेंट या मोशन है उसके अंदर। हाँ जो एटम्स है डाई एटॉमिक जैसे सबका इंक्लूडेड यहाँ पे जो है ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल सबका कितने टाइप का मूवमेंट है उसके। यहाँ पे देखो 10 फॉर मोनो एटॉमिक और मोनो एटॉमिक गैसेस जैसे नोबल गैसेस ना वो कैसे होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं ना बोलो। एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × ½ RT इज इक्वल टू हो जाता है 3/2 RT। बस ये याद रखना है आपको। तो देयर फोर DU/DT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 R राइट है ना। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया तो या गिवन टेम्परेचर पे डायटोमिक के लिए क्या होगा ये फॉर्मूला पर डायटोमिक मॉलिक्यूल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 R इज इक्वल टू व्हाट 3 × ½ RT प्लस T × ½ RT 2 और 3 ये समझ में आ रहा है आपको
क्यों लिया मैंने, क्योंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल सोचा कि उसमें ये थ्री होता है ये टू हो जाता है, राइट ना, लीनियर जो है ये थ्री और ये टू हो गया, राइट ना, यहाँ पे डायटोमिक हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल एनर्जी के लिए, समझ आ रहा है ये। जैसे वो नोबेल गैस होगा सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है उसमें, तीन एक्सिस पे तो रोटेट करेगा ना ट्रांसलेशनल, तो उसमें एक ही होगा ना ट्रांसलेशनल, बाकी नहीं होंगे ना, तो उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर, ये क्या हो जाएगा मेरा सीबी इक्वल टू, बोलो सीबी फॉर डायटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, कैलकुलेट करो, हाँ आ रहा जाएगा, फाइव बाई टू आ रहा गया, राइट, समझ आ रहा है, तीन फिक्स टेम्परेचर कर लिया वहां पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, अब अच्छा बताओ मुझे, एस आगे देखो, सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीवी प्लस आर होता है ना बेटा, राइट, तो हम लिखेंगे फॉर मोनो एटॉमिक गैस, सीपी क्या हो जाएगा बताओ मुझे, फॉर मोनो एटॉमिक गैस सीपी क्या हो जाएगा, यस ये तो होगा ना सीपी फॉर मोनो एटॉमिक, आर कॉमन है इसमें वन आ जाएगा, पर डायटॉमिक 7/2 होगा ना, मोनोटॉमिक तो 5/2 ही होगा ना, ये है ना, पर मोनोटॉमिक यही होगा राइट ना, पर डायटॉमिक क्या हो जाएगा, हाँ सेवन बाई टू आर, तो फॉर ट्राइटॉमिक क्या हो जाएगा, यस गुड गर्ल, पर पॉलीटॉमिक है ट्राइटॉमिक, ठीक बस ये वैल्यू अब ऊपर होगा भी नहीं, अब रुक जाओ थोड़ा सा, रुक के चला जाता हूँ, रुक जाओ, ट्राइटॉमिक गैस, ठीक है, ट्राइटॉमिक के लिए सीबी क्या था, नहीं लिखा था हमने ना, 7/2 आर था वहां पे, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक ये हो गया था ना, ट्राइटॉमिक ये, चलो लिखते हैं यहाँ पे, सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/2, ठीक है, यहीं पे कहीं लिखना पड़ेगा हमें, हाँ ट्राइटॉमिक के लिए क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, फॉर ट्राइटॉमिक गैस सीवी इक्वल टू क्या था 7/2 आर, जाओ भगवान के थोड़े टीचर में जाओ देख लेना, पछताओगे। अच्छा नहीं यही सोच के जा रही, घर पे भी जाएगी, तुमको पता है, तुमको पता है सर, यहाँ पे सीपी अपॉन सीवी का रेशियो हमें याद रखना पड़ेगा, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो हमें पता है। तुम नहीं है।
करेगा कैसे करेगा बता दो जरा सीधा। एक एटम को रोटेट कराओ। हाँ कराओ करा 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 हो रहा। टी को हटा दिया नहीं पसंद आ रहा। तो खा के आए हो क्या? हाँ पहले क्या तू हम कब डिहाइड्रेटेड हो गई? हो गया ये तो सही बात है। हो गया ना लिखते आपने बहुत लिख दिया मुझे। अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे मस्त एकदम। द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय गामा। ठीक है सीपी सीवी का रेशियो अब यहां पे लिखेंगे नेचर ऑफ गैस नेचर ऑफ गैस मोनो एटॉमिक जैसे एच ई ए आर डायटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। ठीक है यहां पे देखो गामा क्या होगा यहां पे बेटा सीपी अपॉन सीवी ठीक है। तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है अपने पास फाइव बाई टू आर अपॉन
फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.66। इसके लिए वैल्यू क्या आएगी 7/2 R अपॉन 5/2 R इज इक्वल टू 7/5 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.40 एंड हियर इट इज व्हाट 9/2 R यहाँ पे आ जाएगा 7/2 R इज इक्वल टू 9/7 इज इक्वल टू 1.30। ये याद रखना पड़ेगा आपको, यही है याद रखने वाला चीज। 5/3 ये अब न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी सर हम्म। चल के जाना तो हाँ
बॉटल को तोड़ती भी मुझे घुमाती थी मैंने 800 रुपए की बॉटल घुमा दी तो कॉलेज में ताने चलते तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे बॉटल छोड़ती थोड़ा ब्राह्मणों को दान दो। मैं मैं थोड़ा 800 रुपए की बॉटल मार दे रहा हूँ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो मुझे। हाँ मैं हूँ। ब्राह्मण को दान दो बॉटल बॉटल की बात कर रहे हैं तो एक गुरु दक्षिणा तो अलग चीज है, वो तो अलग होता है। अंगूठा क्या चीज एलन एलन का? का नहीं एक बंदा है हम लोग बहुत पंद्रह ही साल के वही मस्त लगा दिया। मेरे हस्बैंड अंकल को डायबिटीज चलो दोनों का जल्दी से सॉल्व करो, दोनों दोनों ने मिलकर सॉल्व करो पहले। अरे डायबिटीज किसको होता है सिंपल तो है, बताओ डायरेक्टली फार्मूला भी लेते हैं। ये बताओ बेटा तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है ना, बताओ। कन्वर्ट करके डिफरेंस सेम आएगा ना। अरे परफेक्ट परफेक्ट फॉर्मूला पता है ना आपको, क्यू इज इक्वल टू क्या है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। ये कितना था मेरे पास 10, ये कितना था 0.45, और ये कितना हो गया मेरे पास 500 माइनस 25। यही निकालना है जूल में, बस सेम यहां पे भी है।
यहाँ पे एम निकालना है, क्यू सेम दिया राइट ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नहीं, 34 पॉइंट समथिंग, 34.6। ये इंपॉर्टेंट है, जरा फाइंड आउट करो तो। चलो डू इट। ये आ गया ना आपका, ये वाला, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके?
ये आ गया समझ में? 10 डिग्री के लिए उतना आ गया जो दिया है 52.52, राइट ना? तो अब मुझे 1 डिग्री और 1 मोल के लिए, तो मोल कितना दिया है 0.256 ना, 0.25 मोल दिया है ना, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? वो डिवाइड किया तो ये आ गया, दैट इज मोलारिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीवी आ गया तो सीपी निकाल लो, सीपी आ गया तो गामा निकाल दो, तो अभी सीटी के लिए गामा निकालना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना। हाँ करो। एट पॉइंट 314। गामा की वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से एटॉमिसिटी बताएंगे। हाँ डायटॉमिक हो जाएगा। हम अच्छा क्या वो दिखा रहा टेबल देखो।